सुनते थे कहां से, एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकल जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सब ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? तो हमको क्या वैसा रहना है? नहीं रहना है। क्या हमको सीखना है? उसको हमारे जो सीख रहे हैं हम उसको पक्का करना है। आपने देखा है सीमेंट जब रास्ता बनाते हैं तो वहां पर वो कंक्रीट डालते हैं ना सीमेंट, तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ते हैं? उसको पानी पिला पिला कर उसको क्या करते हैं? पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं। तो जब हम ये नोट्स लेकर जाते हैं ना, जो भी आपने अभी सीखा है सब एक साथ मत करना, थोड़ा थोड़ा लेकर। क्योंकि जैसे सिस्टर उस दिन बता रही थी ना, एक छोटे बच्चे को क्या करते हैं हम, कैसा खाना देते हैं? चावल, चिकन, मटन देते हैं? नहीं, क्या देते हैं हम उनको? थोड़ा माँ का दूध पहले देते हैं। और उसको कैसे देते हैं? दो दो घंटे में देते हैं। जैसे बच्चा पेशाब करता है तो उसका पेट खाली हो जाता है, तो हम उसको वैसे उसकी जरूरत के अनुसार उसको दूध पिलाते हैं। और दूध हम गाढ़ा गाढ़ा नहीं, पहले तो माँ का दूध पिलाते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है उसको बाहर का भी दूध देते हैं, या सेरेलैक, ये वो सब, यानी जो पतला पतला उसका मिश्रण बनाकर बच्चे को पिलाते हैं। जैसा वो बच्चा 6 महीने का होता है और 9 महीने का होता है, 1 साल का होता है, हम उसका खाना थोड़ा सा गाढ़ा खाना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों देते हैं? क्योंकि अभी उसकी पाचन की शक्ति बढ़ गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या बच्चा ही रहना है? क्या आपने किसी बड़े व्यक्ति को देखा है मुंह में बॉटल और डायपर पहना हुआ? देखा है? देखा है? ऐसे मुंह में बॉटल डाल के डायपर पहना हुआ जा रहा है, देखा है कभी? क्या हम वैसे क्रिस्ती है? हाँ, हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। 2 मिनट के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 चिकन मटन नहीं खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नया नया आया है, उसके दांत है नहीं, दांत नहीं है तो चबा नहीं सकता है, तो इसलिए उसको हम माँ का दूध पिलाते हैं और जरूरत के अनुसार घंटे में 2 घंटे में पिलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब पिलाते हैं तो क्या बच्चे को ऐसे ही रखते हैं? दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऐसे नीचे रखते हैं ना, सुलाते हैं ना, क्या करते हैं हम? क्या गंदे पे रख के थपथपाते? क्यों? चकार लेने के लिए, है ना? तो हमको क्या करना है पता है? जब हम वचन लेते तो हम बाइबल क्या करते पता है? सब एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम डकार ही नहीं लेते। सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा। तो इसीलिए एक वचन लो, उसको समझो। अभी जैसे हम एक वचन लेते हैं ना, ये दूध पीते हैं, समझो बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वो दूध ज्यादा मात्रा में देते हैं या उसके जरूरत के अनुसार
देते हैं? तो जब हम उसको जरूरत के अनुसार देते हैं, ज्यादा देने से क्या होगा पता है उसको? पचन नहीं होगा, उल्टी करेगा। तो जब हम देते हैं उसको जरूरत के अनुसार, तो हम उसको क्या करते हैं? थपथपाते हैं। और जब नहीं थपथपाते तो क्या होता है? मतलब दूध ऊपर आके उसके नाक में भी जा सकता है, बच्चा मर सकता है। ऐसे हुए भी हैं किससे? हुए हैं या नहीं? तो हमको भी क्या करना, हम क्या करते हैं पता है? सिर्फ पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, ना हमको समझता है ना कुछ। कोई पूछा बाइबल पढ़ता है? अरे हाँ, मेरे तो 10 बार पढ़ा है, मैं तो 100 बार पढ़ा है बाइबल, लेकिन समझ मिला है मुझे नहीं मिला है। तो जब हम थोड़े थोड़े मात्रा में लेते हैं, जैसे बच्चे को हम दूध देते हैं शुरुआत में, तो क्या होता है? हम मनन चिंतन करना चाहिए उस वचन पर। अगर मैंने पूछा आपको आज किसी ने बाइबल पढ़ा है? पढ़ा, क्या पढ़ा? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पूरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चे को सहज ही अच्छी चीज देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को क्यों अच्छी चीज नहीं देते? प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या पढ़ा? आप लेकिन आपने जो पढ़ा आपको पूरा याद है? तो अभी आप पूरा याद नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे क्यों है? क्योंकि आपने उस पर मनन चिंतन नहीं किया। हम मिसा बलिदान को जाते हैं, कल क्या फादर ने क्या पढ़ा था याद है सबको? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां पर नहीं था, हमारा हृदय नहीं था वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या करना है? भले आप ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा लो, लेकिन उसको समझो क्या पढ़ रहे हैं, उस पर मनन चिंतन करो। मनन चिंतन है दिन और रात को जब आप काम भी कर रहे हैं उसके बारे में आप सोचो, उसके बारे में अपने आप से बोलो, बात करो उसके बारे में अपने आप से। क्या आप कभी बात करते हैं अपने आप से? किसी ने कुछ कहा तो क्या करते हैं आप? खुद से बात करते रहते हैं कि नहीं? उस पर आप मनन चिंतन करते हैं या नहीं? तो आप नकारात्मक मनन चिंतन कर रहे हैं या बाइबल के अनुसार आप कर रहे हैं? नकारात्मक कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रही थी? हाँ, तो मनन और चिंतन आपको किस पर करना है? प्रभु के वचन पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब मैं आपसे ये भी कह रही थी कि क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है मुंह में बोतल, दूध की बोतल और डायपर पहना हुआ? नहीं। देखा है? नहीं। देखा है? नहीं। कैसा दिखेगा वो? हाँ, पागल जैसा, पागल ही बोलेंगे। बड़ा बच्चा। हाँ, हम भी वैसे ही थे आत्मिक बुद्धि से। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में वैसे ही थे ना, क्योंकि हम बचपन से लेकर बड़े हुए हैं, परंतु हमको वचन का कोई भी ज्ञान नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको वैसा ही रहना है? नहीं। बॉटल लेकर और डायपर पहनकर घूमना है? नहीं। हाँ, वैसे ही घूमना है? नहीं। तो क्या करेंगे अब से आप? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो कब से शुरू करेंगे? आज से, अभी से, अभी से। कितने लोग अब से शुरू कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने मेरे इन सब भाई बहनों को देखा है, इन सब के हाथ ऊपर है। अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इनमें यह भूख जगाई है, ये भूख इनमें दिलाई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपके पवित्र आत्मा द्वारा आप इन्हें जो चाहिए वह आज दे रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता, जैसे ये अन्य भाषा में आज बातें कर रहे थे, आपको पता था पिता परमेश्वर कि इनको क्या चाहिए। इनको आज वैसा ही मिले जैसा इन्होंने अन्य भाषा में बात किया, और पिता परमेश्वर आप इनके मन को जानते हैं,
इनकी इच्छाओं को जानते हैं। इसी प्रकार पिता परमेश्वर उनको मिल जाए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन व्यक्ति उपस्थित हैं वहां पर आप हैं। पिता परमेश्वर यह सिर्फ साधारण जगह नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर आप हैं, आपके दूत हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर, और हमें यहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं ये सब। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता मैं घटती हूँ और आप बड़े हैं, और जो भी मेरे जुबान से निकल रहा है वो शब्द मेरे नहीं रहे परंतु आपके रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं अपना जीवन में अपने आप को आपके नियंत्रण में दे दूं। मेरे सारे भाई बहन जो यहाँ पर है उन सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ये समय मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और हो जाए सब कुछ आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार। धन्यवाद पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा आप, पावन आत्मा आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे अंदर हैं, निवास करते हैं आप यहाँ पर। हम सबको एकत्रित, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे कान खुले रहे, ताकि जो भी शब्द यहाँ पर बोला जा रहा है हर एक भाई बहन के हृदय में जाए, और उनका हृदय जो उपजाऊ मिट्टी है वहां पर यह शब्द जो है जो बीज के समान है वहां पर वह उगे और वह फल लाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। आमेन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सीखेंगे कि हमारे शब्दों में कितना सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, सीखना चाहते हैं? हालेलुया। तो हमको किस प्रकार के शब्द बोलने हैं? अच्छे शब्द, नकारात्मक या सकारात्मक शब्द भी होते हैं, परंतु यदि यीशु का नाम उसमें ना हो तो सकारात्मक भी कुछ काम कर नहीं करता। कोई कोई बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टॉकिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पॉजिटिव बातें या सकारात्मक बातें जब हम करते हैं, अगर उसमें यीशु का नाम नहीं है, क्योंकि वहां पर वो क्या कहते हैं कि ये यीशु की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैं जो बात कर रही हूँ ना सकारात्मक, उसकी वजह से हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हम सकारात्मक बात करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमें मिला है किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पॉजिटिव टॉकिंग या सकारात्मक बातें के वचन जो हम बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की वजह से, उनके कामों की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। तो जब हम अन्य भाषा में बातें कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे पता है? क्या कर रहे थे हम? हम यहाँ पर अपने किसान को देखा है, वो बीज डालने से पहले क्या करता है? पूरा जमीन को जोतता है, और उसके बाद सब तैयारी करने के पहले सबसे पहले तो देखते हैं जमीन उपजाऊ है या नहीं, हाँ या नहीं, या जाता है कोई भी बंजर जमीन में बीज डालता है, वो पहले मिट्टी को टेस्ट करता है ना, देखता है अच्छी मिट्टी है या नहीं, और उसके बाद वो उस जमीन को जोतता है, और बाद में जोतने के बाद वो जाकर क्या करता है? बीज डालता है। तो हम यहाँ पर जब आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हृदय को टटोल रहे हैं, देख रहे हैं हमारा हृदय तैयार है या नहीं, है या नहीं आपका हृदय तैयार? तो हृदय आपका क्या क्या हुआ? उपजाऊ मिट्टी के समान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा हृदय अब एक उपजाऊ मिट्टी के समान हो गया, और आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना
कर रहे थे ना, तो आप क्या कर रहे थे? आप परमेश्वर से बता रहे थे और परमेश्वर भी अपने आत्मा के द्वारा देख रहे थे कि आपकी क्या समस्या है, आपको क्या चाहिए, तो उसके अनुसार परमेश्वर आप कह रहे थे कि मेरी ये समस्या है, मुझे इसका हल चाहिए। तो आज परमेश्वर उस हल का आपको समाधान देने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम आज ये सीखेंगे वचन को, तो परमेश्वर बताएगा आपको कि कैसे हम इस समस्या का, जो भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, उसका आप, उसको आप कैसे सुलझा सकते हैं वचनों द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सीखना चाह रहे हैं या नहीं? सीखना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द क्या है? बीज है, एक बीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बीज देखा है सपने? जी हाँ। तो बीज के अंदर क्या होता है पता है? जी, बीज जब हम देखते हैं तो आपको जीवन नजर आता है, लेकिन जब एक बीज हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? उसके अंदर क्षमता होती है कि जड़ उसमें से वो निर्माण करे, पत्ते निर्माण करे, है या नहीं? क्या, कहां पर है वो सब? वो बीज के अंदर है, फल फूल पत्ते जड़ डालियां सब कुछ कहां पर है? उसके अंदर। कहां पर है? बीज के अंदर। उस बीज के अंदर है। लेकिन जब हम उस बीज को देखते हैं तो नजर आता है हमको, हम सोचते हैं ये तो बीज है, मरा हुआ बीज है, फेंक देते हैं। फल खाते हैं और फेंक देते हैं, फल खाते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन हम कभी गौर से देखते नहीं है कि उस बीज की क्या क्षमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है वो बीज में इतनी क्षमता है कि वो दीवार को भी चीर सकती है, एक अणु, क्या बोलते उसको, न्यूक्लियर बॉम्ब को, नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब रहता है ना, क्या बोलते हैं, परमाणु बम, उससे भी अधिक पावरफुल होता है, उससे भी अधिक पावरफुल होता है, उससे भी अधिक सामर्थ्य है एक बीज में। हम ना खड़गपुर गए थे, वहां पर चर्च देखा हमने, चर्च में हम प्रीचिंग कर रहे थे, तो वहां पर हम जैसे बाहर आए तो हमने देखा कि पीपल है ना, उसका झाड़ था, पौधा आया था और वो उस दीवार पर था चर्च के, और वहां पर इतनी बड़ी दरार हुई थी। तो हम सोच पड़े कि ऐसे कैसे हो गया, करके वहां पर कैसे बीज गया? हाँ, जो चिड़िया जब खाती है तो वहां पर क्या करती है? बैठती है और छोड़ देती है, सही बात है? तो वहां से वहां वो पीपल का पौधा उगा, और जैसे जैसे बढ़ गया वो पौधा, वहां पर वो दीवार के अंदर जाने लगा और उस पे उसने दरार कर दिया। तो इतनी क्षमता होती है एक बीज में। तो ये सोचिए कि आपके जो शब्द है, कोई भी शब्द आप बात करते हैं उसमें उसमें सामर्थ्य है, भले आप या भले आप बुरे शब्द बोले, आपके हर एक शब्द में सामर्थ्य है। पर जैसा आप बोलते हैं, जो फोर्स से आप बोलते हैं उसको, उसमें सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि जब आप बात करते हैं ना, देखिए आप सोचेंगे, मुंह बंद करके रहेंगे तो कुछ होगा? यदि आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, हम बोलते ना कोई नहीं तो बिल्कुल बात नहीं करता है, ऐसा होता है? हाँ, कोई कोई रहते हैं ना, बात ही नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो सोचते नहीं है? सोचते भी है, परंतु जब वो बात नहीं करते तो क्या उनको कुछ मिलेगा? नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए बात करना जरूरी है, लेकिन कैसे बात करना जरूरी है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन जो हम बोलते हैं इसमें बहुत ही सामर्थ्य है, भले वो वचन के द्वारा वचन बोल रहे हैं या कोई भी आप दुनिया की बातें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या क्या मैं आप जब बात कर रही हूँ मैं आपको हंसा सकती हूँ? मैं आपको रुला सकती हूँ? मैं आपको दुखी कर सकती हूँ? मैं आपको अपमानित कर सकती हूँ? कैसे? शब्दों से द्वारा। तो क्या मेरे शब्दों में सामर्थ्य है? है? आपके शब्दों में सामर्थ्य है? आप आके मुझे भी रुला सकते हैं। आप आके बोले क्या है, पका रही है कब से, बोल सकते हैं ना। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे शब्दों में सामर्थ्य होता है, क्यों? और हर एक शब्द जो हम बोलते हैं वो एक बीज है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बीज नहीं है, जो भी शब्द हम बोलते हैं वह एक बीज है। क्यों? क्योंकि वह बीज हम जो हम बोलते हैं वह हृदय में जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपने कभी देखा है, आप चल रहे हैं यहाँ पर, कहीं कहीं आपने खाली जमीन देखी है, कुछ भी नहीं है, आपको बीज नजर आ रहे हैं क्या उस जमीन पर? लेकिन समझो वर्षा आ गई, बारिश आ गई, तो वहां से क्या निकलेगा? किसी ने डाला था बीज वहां पर? किसी ने डाला था? तो घास कैसे आया? तो वही हमारे भी वचन ना हम बोल के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन हम क्या देखते हैं वहां पर? उसका फसल देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो बोलते हैं मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, और बोलने से क्या होता है? मन हल्का होता है। ये औरतें बोलते नहीं, औरतें नहीं बोलती, ये सब पुरुष बोलते हैं ना। औरतें तो बहुत ही शरीफ होते हैं, ये तो सब पुरुष ही बोलते हैं। क्या हमारा मन हल्का करने के लिए हम बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम स्त्रियां नहीं बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया। तो बोलना है तो कैसे बोलना है? हमको सोच के बोलना है कि क्या ये वचन जो या ये शब्द मैं बोल रही हूँ किसी के जीवन में इसका अच्छा असर हो रहा है या गलत असर हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके ही शब्द किसी को बांध सकते हैं या किसी को गिरा सकता है, किसी को ऊपर ला सकता है या किसी को नीचे ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना सामर्थ्य है आपके शब्दों में। आप यही सोचिए, अगर आपने अपने बेटे को बोला कि तू नाकारा है, कभी कुछ तेरे जीवन में नहीं होगा, तो क्या होगा? वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वही बच्चे को, एक ना साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट होने से पहले जब वो स्कूल गया, अमेरिका से आइंस्टाइन ही है वो वैज्ञानिक, तो जब वो स्कूल में गया तो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, उसको 2 और 5 में अंतर नहीं पता चलता था, वो उल्टा लिखता था, 2 को उल्टा लिखता था, उसको डिसलेक्सिक बोलते हैं, यानी उनको समझ में नहीं आता है 5 और 2 कैसा रहता है, उल्टा लिखते। कोई कोई आपने देखा है बी और डी, बी को डी लिखते हैं, डी को बी लिखते हैं, तो वैसा था वो, और उसको और गणित तो उसको बिल्कुल नहीं समझता था। तो एक ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी टीचर ने उसके मम्मी को बुलाया और उनको बताया कि ये तुम्हारा बेटा है ना बहुत ही कमजोर है पढ़ाई में, मैंने उसको बहुत सिखाया लेकिन ये बहुत कमजोर है, इसका जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कभी सुना है आपने कोई टीचर बोलती है? और उन्होंने एक चिट्ठी
लिखकर दी थी उनकी माँ को, एक्चुअली माँ को नहीं बुलाया, उन्होंने चिट्ठी भेजी थी और उसमें लिखा था कि अपने बच्चे को स्कूल से निकालो क्योंकि ये बच्चा कभी जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। तो बेटे ने माँ से पूछा कि मम्मी, उनको बहुत रोना आया एक्चुअली चिट्ठी पढ़ी तो मम्मी को, लेकिन बच्चे को उन्होंने दिखाया नहीं, बच्चे के सामने हंसती रही आनंदित रही। तो बेटे ने उसको पूछा, मम्मी मेरे टीचर ने क्या लिखा है चिट्ठी में? तो उन्होंने बोला कि टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा इतना होशियार है कि ये स्कूल में पढ़ नहीं सकता है क्योंकि वो इतना बुद्धिमान है आपका बेटा, हम उसको पढ़ा ही नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या माँ ने ऐसे बताया? हम क्या करते हैं? हम जो हकीकत है वो बोलते हैं, लेकिन माँ ने क्या किया? माँ ने जो उसे चाहिए था वो उसने बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही बच्चा आगे चलकर कौन बना? एक बड़ा वैज्ञानिक बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जो शब्द हैं वही है जो किसी को बांध सकते हैं, किसी को बड़ा कर सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं या किसी को गिरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इतना सामर्थ्य होता है हमारे शब्दों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जाते हैं मार्कुस की किताब में 11वां अध्याय, मार्क 12वां, 12वां। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। अब ये किसके बारे में कह रहे हैं? यीशु के बारे में। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो कहां थे पहले? पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में थे। और वचन क्या कह रहा है? उनको भूख लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि यीशु को भूख लगी? क्यों लगी? क्योंकि वे मनुष्य के रूप में थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु को भूख लगी। प्रेज द लॉर्ड, आगे। और वह दूर से अंजीर का एक हरा भरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि फल का समय न था, क्योंकि फल का समय न था। अब ये जिसने सुना है पहले, मैं उनसे सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि आप लोगों ने सुना है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वचन क्या कह रहा है कि दूसरे यीशु ने क्या देखा? एक अंजीर का वृक्ष। प्रेज द लॉर्ड। तो वे क्या, उन्होंने क्या किया? वे निकट गए, उसके पास गए, लेकिन पास जाने पर क्या मिला उनको? सिर्फ पत्ता ही मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों सिर्फ पत्ते मिले? समय नहीं था। अच्छा, यहां पर आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है कहीं, है ना? तो आपने, आपको भूख लगी आज, आज आज एक्चुअली खाना नहीं है, आज 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 खाना नहीं पकाने वाले हैं, सबका फास्टिंग उपवास रखना है हम लोगों को। तो आम का पेड़ है, कितने लोग जाएंगे आज आम के पेड़ के पास? हाँ,
आपको तो भूख लगेगी ना, लेकिन कुछ तो सबको तो नहीं रखना है ना फास्ट, कोई तो ऐसा होगा जिनको खाना है, रहा नहीं जा रहा है, जोर से भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आम के पेड़ के पास जाएंगे फल ढूंढने के लिए। तो इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि आप लोग यीशु से भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है। आप प्रभु से बहुत ही होशियार है, क्योंकि आपको पता है कि आप मौसम नहीं है किसका, आम का, और प्रभु को पता नहीं है कि अंजीर के फल का वक्त नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो कौन बुद्धिमान है, प्रभु यीशु क्या? तो अगर अभी ये सृष्टि की रचना किसने की, किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो शब्दों द्वारा। तो शब्द कौन है, योहन्ना का किताब पहला अध्याय पहला वचन क्या कहता है, क्या कहता? अरे ऐसे सब बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यीशु कौन था, यीशु शब्द था। तो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वो शब्द कौन था, यीशु था। प्रेज द लॉर्ड। तो सब कुछ जो सृष्टि में निर्माण किया परमेश्वर ने किसके द्वारा किया, शब्दों के जो द्वारा, और ये शब्द कौन है, यीशु है। तो जो निर्माता है उसे ही पता नहीं है कि अब फल का समय नहीं है। आपने कभी ऐसे सोचा नहीं या गौर से पढ़ा नहीं, गौर से पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था, बाद में पता चला। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु को पता ही नहीं कि फल का समय नहीं है, है ना? तो फिर क्यों गए, पत्ते खाने के लिए? हाँ, पत्ते देख, तो मैंने वही कहा ना, पत्ते देखकर आप आम के पेड़ के पास जाएंगे? हाँ, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। तो दूर से उन्होंने देखा कि एक अंजीर का वृक्ष है, और जैसे ही उन्होंने उसको देखा वे दौड़े चले गए कहां पर, पेड़ के पास। लेकिन वहां नजदीक जाकर देखा तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। अब वो क्यों गए नजदीक, भूख लगी इसलिए गए। तो आप भूख लगती है तो कोई भी पेड़ के पास जाएंगे, यीशु क्यों गए, वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, हरा है करके आप जाएंगे कोई भी पेड़ के पास? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दे, अंजीर के वृक्ष की एक खासियत है कि जब फल का समय नहीं होता है तो वे उनके पत्ते सब झड़ते हैं, और जब आप उसको देखेंगे ना ऐसे लगेगा कि एक सूखा पेड़ है, एकदम सूखा पेड़ जैसे लगता है वो।
लेकिन जब फल का समय होता है तब फल और पत्ते दोनों साथ में आते हैं, और वो फल जो है ना वो पत्तों के बीच में होते हैं, तो आपको नजर नहीं आते फल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब पत्ते नजर आते हैं तो मानो कि फल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए जब यीशु ने दूर से देखा अरे इस अंजीर के वृक्ष पर पत्ते हैं तो जरूर उस पर फल होंगे, इसीलिए वे उसके नजदीक गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी इस पर उसने उससे कहा, इस पर किसने किससे कहा, किसने? यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। यहाँ पर जो आम का वृक्ष या हाँ वो नारियल का वृक्ष है, कोई जाकर उस नारियल के वृक्ष से बात करेगा? हाँ, आप कोई भी जाके बात करते पेड़ के साथ? हाँ, कोई भी नहीं करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु किससे बात कर रहे हैं, पेड़ से बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। अभी आप समझो, दो तीन स्त्रियां जा रहे हैं और आप में से एक पेड़ के साथ बात कर रहा है, कैसा दिखेगा? बाकी बाकी दो हैं क्या कहेंगे? क्या तो यीशु के चेलों ने क्या सोचा होगा? क्या हमारे गुरु को इतनी भूख लगी है कि वे पेड़ से बात कर रहे हैं? हाँ, इसका मतलब भूख लगी है तो क्या होता है? कोई कोई बोलते हैं मैं भूख से पागल हो गया हूं, इसका मतलब उनको इतनी भूख लगी थी कि वे पेड़ के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है, कोई भी भूख लगती है तो जाके पेड़ से बात करता है क्या? वो मुझे लगता है आप लोगों को भी भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है, किसी का जवाब भी नहीं आ रहा है, भूख लगी है। अच्छा, तो यीशु ने पेड़ से कहा, तो हम किसी से कब कहते हैं? एक्चुअली कोई दूसरे ट्रांसलेशन में यीशु ने उत्तर दिया, तो हम कब किसी को उत्तर देते हैं? जब कोई हमसे कोई सवाल पूछता है या कोई कुछ हमसे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका अर्थ यह है कि पेड़ ने, अंजीर के वृक्ष ने यीशु से बातें की, सही बात है? हालेलुया। तो उसने क्या बात किया होगा? अंजीर के वृक्ष ने यीशु से क्या बात किया? हाँ, मैं मेरा समय नहीं है, और हाँ उन्होंने क्या कहा होगा उस पेड़ ने कि मैंने तुम्हें चकमा दिया, तुमने तो मेरा निर्माण किया, मुझे तुमने ही बनाया और मैंने तुम्हें चकमा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो उस वो वृक्ष क्या था, कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उस वृक्ष का चरित्र कैसा था? स्वार्थी था। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वार्थी था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सब उस हरे भरे वृक्ष के समान है? 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 हम सब है? आपने देखा है कितने जन चर्च में
यूकारिस्टिक मिनिस्टर रहते हैं ना, जाके वहां पर सहभागी देते हैं, जाकर आगे जाकर बैठते हैं, रिट्रीट से जाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड करते हैं या नहीं। लेकिन जब किसी को जरूरत है जाकर उसकी मदद करते हैं, करते हैं। हम सब क्रिस्ती हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा है? क्या हम उस धोखा देने वाले वृक्ष के समान है? है? हम कोई फल लाते हैं हमारे जीवन में? हाँ लाते हैं या नहीं? तो हम कैसे हैं सब? स्वार्थी हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वृक्ष हमको क्या सिखा रहा है? स्वार्थी बनना। हाँ प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हमें स्वार्थी बनना है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा है पता है? जब आप वृक्ष को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा है। कैसा है? उसके फल के द्वारा। जब एक वृक्ष में फल लगता है तब आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का वृक्ष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी कोई बच्चे को देखा है ऐसे बाहर खेलते समय, पड़ोसी है तो आप जब उसको देखते हैं तो क्या बोलते हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं, आपके पड़ोस में बच्चे खेल रहे हैं, एक आपके पड़ोसी का बेटा है जो शराबी है, तो आप क्या कहते हैं? अरे पता है वो शराबी का बेटा है, वो रामू है ना, वो अपना रामू उधर गिरा पड़ा रहता है, शराब पीता है, उसका बेटा है। तो कौन है, किसका फल है वो? यीशु का फल है, वो शराबी का फल है। हाँ कभी कभी हम देखते हैं व्यसनी जो ड्रग्स लेता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे इसका पिता भी लेता था, इसका दादा भी लेता था। हाँ तो किसका फल है? माता पिता का फल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा है? आप वृक्ष को कैसे जानेंगे? उसके फलों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु ये वृक्ष तो फलवंत है? फलवंत है? तो ये वृक्ष तो फलवंत ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप ये वृक्ष फल क्यों नहीं लाया, इसका कोई कारण है? आप कहते हैं स्वार्थी है, नहीं समय नहीं था का कारण नहीं था। अगर समय नहीं था तो पत्ते भी तो नहीं आने चाहिए। पत्ते क्यों आए? अच्छा आपने कभी ऐसा देखा आपके गांव में आम का वृक्ष है? है? जब आम का समय है तो आप देखते हैं कि मोहरी लगती है। हाँ दो तीन महीने पहले से ही शुरू होती है। अगर मार्च अप्रैल में फल आना है पूरा तो जनवरी फरवरी से मोहरी आना शुरू होता है। तो मोहरी आने के बाद आप देखते हैं कि छोटी छोटी कैरियां आती है। अब जैसे वो छोटी है थोड़ी बढ़ती है तो स्कूल के बच्चे जाते हैं ना, तो बच्चे खाली ऐसे शरीफ है उसको सिर्फ देख देख के जाते हैं ना। हाँ क्या करते हैं? सिर्फ लालच करते हैं। हाँ आपके गांव के बच्चे बहुत शरीफ है या मुंबई के बच्चे लगता है नखट है? क्या करते हैं, क्या करते हैं? पत्थर उठाते हैं और कहाँ क्या करते हैं? कहाँ एक दूसरे पे मारते हैं पत्थर, कैरी पे मारते हैं। हाँ लेकिन वो कैरी कितनी है? छोटी है, लेकिन उनको क्या मजा आता है। क्यों मारते हैं?
क्योंकि उनको वो चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप दूसरों को अगर कुछ बोलते हैं, अगर समझे उस बहन के पास कुछ अच्छी चीज है तो वो आपको दिखा रही है, आपको बुरा लग रहा है तो आप उसको टोचन क्यों देंगे, क्योंकि आपको भी वो चीज चाहिए। सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस ये वृक्ष फल क्यों नहीं दे रहा था, क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि अगर वो फल देगा, फल किसके लिए होता है? हमारे लिए। फल हमारे लिए ना? हाँ, जब मैं फल उत्पन्न करती तो फल मेरे लिए है ना। एक पेड़ फल उत्पन्न करता है तो किसके लिए होता है? वो फल दूसरों के लिए होता है। पेड़ फल नहीं खा सकता है तो फल किसके लिए होता है? और पत्ते अपने लिए। पत्ते अपने लिए। तो पत्तों का क्या काम है? भोजन बनाना। पत्ते भोजन बनाते किसके लिए? हमारे लिए। नहीं, पेड़ भोजन अपने लिए बनाता है पत्तों के द्वारा। जब सूर्य की किरणें पत्तों के ऊपर गिरते हैं तो भोजन बनाते हैं किसके लिए? पेड़ के लिए। तो ये जो वृक्ष है अंजीर का, उसने पत्ते तो उत्पन्न किए किस लिए? अपने लिए। क्यों? उसको भोजन चाहिए था। परंतु उसने फल उत्पन्न किए नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसको नहीं चाहिए था कि कोई आके उसको पत्थर मारे। तोड़ना अलग बात है, लेकिन कोई उसको पत्थर मारे। क्या हम ऐसे लोग हैं जो डरते हैं कि कोई मेरी निंदा ना करे, कोई मुझे शर्मिंदा ना करे, कोई मुझे ऐसा ना बोले, कोई मुझे वैसा ना बोले, इसलिए हम जाकर किसी की मदद नहीं करते हैं? ऐसा होता है? होता है। चर्च में जाकर हम कितनी मदद करते हैं? कोई पड़ोस में कोई बीमार है, हम जाकर देखते हैं उनको, किसको जरूरत है मेरी, क्या हम जाकर मदद करते हैं उनकी? क्या हम इस वृक्ष के समान है? हाँ, स्वार्थी, धोखा देने वाले। बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, अरे ये तो प्रेयर को जाता है, अरे तो चर्च को जाता है, वो उस चर्च को जाता है। क्या हम ऐसे हैं? हाँ, बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे क्रिस्ती। ऐसा है कोई यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिस्ती? हाँ, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बहुत भोजन लग रहा है? हाँ, कोई है नहीं, नहीं अरे अच्छा, कोई भी अच्छा क्रिस्ती नहीं है। तो क्या हम सब इस वृक्ष के समान है? स्वार्थी, बाहर से तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि मैं हरा भरा हूं, मैं बहुत अच्छा क्रिस्ती हूं। और हम कब कार्य करते हैं पता है? किसी को मदद करने जाते हैं जहां देखेंगे लोग, जहां लोग देखते हैं हमको और मेरी वाह वाह करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हम धोखा देते हैं? परंतु हम किसको धोखा नहीं दे सकते हैं? ईश्वर को, प्रभु यीशु को, परमेश्वर को। हम उनको धोखा नहीं दे सकते। भले हम देखते हैं अरे हाँ चार लोग हैं यहाँ पर, वो फरेड, वो फैरिसीज़ को क्या बोलते हैं, फिरौनियों। तो फिरौनियों वो लोग क्या करते थे जब दान देना था तो क्या करते थे? ढिंडोरा पीट कर जाते थे और वो बाजा बजा कर जाते थे। किस लिए? कि लोग उन्हें देखे, वाहवाही करे, अरे मैंने कितना सारा धन दिया है, गरीबों में बांटा है, मैंने चर्च में इतना सारा धन दिया है, मैं उपवास रखता हूं। ऐसा होता है? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हफ्ते में दो बार उपवास रखता हूं। लेकिन उपवास रखने के साथ साथ क्या हम वचन का भोजन करते हैं? शरीर में तो हमने उपवास रखा है, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा को भोजन देते हैं?
अगर आपको बढ़ना है अपने क्रिस्ती जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, तो क्या हम आत्मिक भोजन खाते हैं? मुझे लगता है आपको सुनना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके सबके मुंह बहुत लटके हुए नजर आ रहे हैं मुझे। टॉपिक चेंज करें, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आपको प्रभु क्या सिखा रहे हैं कि हम सब ऐसा ही है, उस हरे भरे वृक्ष के समान। बाहर से तो बहुत हरे भरे नजर आते हैं, बहुत तरोताजा नजर आते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन कैसा है? हरा भरा है? वो सुना है अपने बाहर कुछ अंदर कुछ? क्या हमारा जीवन वैसे है? बाहर कुछ अंदर कुछ? बाहर से प्रेज द लॉर्ड, यीशु की जय, और अंदर से अब परिस्थिति आई तो क्या होता है? फोन लगाते हैं, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सर पे हाथ रखिए, हाथ रख रख के तो गंजे भी हो जाते हैं। हाँ, क्या हम ऐसे क्रिस्ती हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमको ऐसा ही बना रहना है? कितने लोग ऐसे रहते हैं कि चर्च में जाके तो उनकी फिक्स सीट रहती है, उधर ही जाके बैठना है, कोई बैठा भी रहा ना उसको उठाएगा, बोलेगा मुझे यहीं पर बैठना है, ये मेरी जगह है, आप कैसे आके बैठे यहाँ पर? उनको उठाएंगे, होता है ऐसे? ये तो बम्बई में होता है, यहाँ होता है? हाँ, वो वहां पर बैठ बैठते है ना, वो जो सीट है ना, बेंच जहाँ पर बैठे है उसमें शेड भी आया है वहां पर नीचे। हाँ, क्योंकि रोज वो जाकर वहां बैठता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत ही अच्छे क्रिस्ती हैं, होता है ऐसे? लेकिन कब पता चलता है कि हम कैसे क्रिस्ती हैं? यहाँ पर कोई ऐसा है जो चिड़चिड़ करता है? यहाँ पर जिस दिन पहले दिन आए थे ना, तब पता चला था किसके फल कैसे हैं। पानी नहीं है, क्या गद्दी नहीं मिली है हमको, और क्या रूम, मेरा रूम बराबर नहीं है, उसको तो इतना अच्छा रूम मिला है, हुआ है ऐसे? लेकिन अब क्या हुआ है, वचन जैसे अंदर गया है हमें, क्या हुआ है? बदलाव आया है। प्रेज द लॉर्ड, फल नहीं आया है अभी तक, लेकिन बीज अंदर गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फल कब आएगा? जब आप उस वचन को ले लेकर उसको पानी भी डालेंगे। हमने यहाँ पर बीज तो डाला है, बीज डालने का काम किसका है? हम जो सिखा रहे हैं आपको वचन। अब जो सिस्टर आई थी, ब्रदर जॉनसन, कल ब्रदर लिंटन ने भी वचन दिया, अब मैं भी दे रहे, तो मैं क्या कर रही हूँ पता है? आपके हृदय में हम लोग क्या कर रहे हैं? बीज डाल रहे हैं। अब ये बीज वहां पर रखना या नहीं रखना किसका काम है? आपने देखा है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब हम गए थे, लॉकडाउन था, तो हमारे बच्चों को लेकर हम दूसरा और एक कर रहे हैं हमारा वसई में, वहां गए थे, तो मेरे पति ने सीताफल, पता है ना सबको, वो लाया था, और हम सब खाए, और बच्चों ने बोला चलो हम ये बीज लगाते हैं। वो मेरे दो बेटी है ना, उन्होंने जाकर लगाया बीज, और उनको बहुत उत्सुकता हुई, तो दूसरे दिन गए, वापस खोद दिया और देखने लगे उसमें कुछ हुआ है या नहीं करके। तीसरे दिन गए, वो वापस मिट्टी डाली, तीसरे दिन जाकर वापस वो खोद कर देख रहे। ऐसा करने से क्या बीज से अंकुर मिलेगा? क्या हम ऐसे क्रिस्ती हैं जो बीज डालते हैं और बार बार जाकर मिट्टी निकाल कर देखते हैं? हम कैसा करते पता है, मिट्टी कैसे निकालते बार बार? अभी समझो आपको बीमारी है, कोई शरीर में दर्द है, तो आप कौन सा वचन लेंगे? 1 पेत्रस 2:24, प्रभु यीशु के घावों से मुझे
चंगाई मिल गई है। तो आप बोल रहे बाद में दर्द, अरे दर्द तो अभी भी है। क्या कर रहे हैं आप पता है? आप जमीन को, उस मिट्टी को निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं अंकुर आ रहा है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कोई किसान को देखा है उसने बीज लगाया दूसरा दिन जाकर? नहीं देखा। नहीं। तो हम कैसे किसान हैं पता है? सबर नहीं है हमने, बार बार जाते हैं हम, निकालते हैं मिट्टी, सरकाते हैं और देखते हैं अंकुर आया है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होने से फल आएगा हमारे जीवन में? आएगा? तो ये पेड़ क्या कर रहा था? स्वार्थी था, धोखा देने वाला था। उसको देखो, अगर कोई बच्चा पत्थर मारेगा तो अच्छा लगेगा उस पेड़ को? क्या होगा? चोट लगेगी ना उसको। तो वो नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम सेवा कार्य क्यों नहीं करने जाते हैं? हम क्यों नहीं जाते हैं? हम कभी वचन किसी को सिखाने क्यों नहीं जाते हैं बाहर? स्वार्थी, इसलिए स्वार्थी नहीं, हमको डर लगता है कि वो सामने वाला मुझे क्या बोले। आपने आप कभी पहले इससे पहले रिट्रीट में गए हैं? कितने जन गए हैं? जब आप रिट्रीट से घर गए और जब आप जाकर दूसरों को वचन देने लगे तो उन्होंने क्या कहा? हाँ पता है, बड़ा संत बन गया है, अभी बड़ा हमें सिखाने आया है, बोला है ऐसे ताने मारे हैं। तो उसके बाद आपने क्या किया? छोड़ दिए। लेकिन ऐसे कोई रहते हैं या नहीं कि जो छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ते हैं पता है? क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि लोग उनका अपमान करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? अरे बाबा मुझे कुछ बोलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। अभी चर्च में कभी कभी बुलाते हैं ना उधर वचन पढ़ने के लिए, कितने लोग जाते हैं आगे बुलाएंगे तो? मुझे शर्म आती है। आती है शर्म? शर्म आती है? हाँ चल नहीं, जाकर पढ़ने के लिए ऊपर जाकर मुझे आती थी पहले, मुझे तो आती थी। तो मैं उस स्वाती वृक्ष के जैसे थी पहले। तो हम किसके बारे में सोचते हैं पता? अपने खुद के बारे में सोचते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे, सब मुझे देख रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं पता है? जो इंसान शर्माता है वो घमंडी इंसान है। क्यों पता है? क्योंकि उसका ध्यान यीशु पे नहीं है, उसका ध्यान किस पर है पता है? अपने आप पर है। जब मुझे इसका ज्ञान मिला ना, तब मुझे समझा कि मैं बहुत घमंडी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान प्रभु पे नहीं है, मेरा ध्यान मुझ पर है। जो इंसान शर्माता है वह भी घमंडी इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मुझे ये समझा तो मैंने बोला प्रभु, मैंने क्षमा पश्चाताप किया और मैंने बोला प्रभु मैं आज से ये जीवन मेरा नहीं है। मैं बचपन से भी बहुत शर्मीली थी, किसी के सामने जाकर दो शब्द बोलना भी नहीं आता तो मम्मी के पीछे पीछे झुकती थी। बड़ी होने तक भी, कॉलेज में भी वैसी थी, मेरे दोस्त नहीं थे, सहेलियां नहीं थी, क्योंकि मैं डरती थी कि ये मुझे कुछ बोला तो क्या, यानी किसी ने मेरा अपमान किया तो। मैं पहले से ही दीवार बांध लेती थी अपने इर्द गिर्द, अगर ये मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। ऐसा था मेरा जीवन, मैं भी उस वृक्ष के समान थी, हमेशा शर्माना, हमेशा किसी की मदद के लिए नहीं जाना घर के। अरे लोग मेरे पड़ोसियों को पता भी नहीं चलता था कि मैं घर पर हूं। कभी मेरे पिताजी ने जोर से मेरे नाम से बुलाया, अरे आज घर पर है? तो मेरा घर पर रहना नहीं रहना एक समान ही था। कभी किसी की मदद नहीं करना, ऐसा मेरा जीवन था। लेकिन जिस दिन मुझे प्रभु का वचन मिला, उस वचन ने मुझे बदला। लेकिन एक ही बार नहीं, बहुत समय लगा मुझे उससे बाहर निकलने के लिए, बहुत ही समय लगा, क्योंकि ये बंधन बन गया था, एक गढ़ बन गया था मेरे अंदर। हर घड़ी मुझे लगता था कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, क्या बोलेंगे,
ताने मारेंगे, यही चलता था मेरे दिमाग में। और सबसे पहले तो मैं ये क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब मेरे तीन बहनें हैं, हाँ यानी हम तीन बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरी दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत है, गोरे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, और मैं दिखने में पता है आपने कहानी सुनी होगी बदसूरत बदर, पता है आपको पता है या नहीं, पता है कहानी, एक बदर को वो अंडे रखती है, पांच अंडे, उसमें से एक अंडा है ना कुछ अलग रहता है, तो जब वो कुछ समय के बाद वो अंडों में से निकलते हैं छोटे छोटे बदर, और वो एक बड़ा बदक रहता है जो अलग रहता है, वो फूटता नहीं, तो वो बदक सोचती आ रही है ये तो हटके है, तो बहुत सुंदर बदक है करके, और वो उस पर बैठते उसको गर्मी देती रहती है, और फिर एक दिन वो फूटता है, और फूटता है तो क्या निकलता है, एक काला सा बदसूरत बदक। तो मेरा जीवन भी वैसे ही था, तो उसको सब टुकराते उस बदक को, तो मेरा जीवन भी ऐसे था, मैं जान भी जाती थी सब कह रही, मेरे मम्मी को आकर पूछ रही ये तेरी बेटी है, ये दोनों कितने अलग है, ये कैसी है, तो एकदम बिल्कुल अलग है, तो ये सुन सुनकर ना मेरे अंदर वो घर बन गया था, मैं अपने आप से नफरत करने लगी थी। ऐसा होता है किसी के जीवन में, तो मैं शर्माने लगी, नफरत होने लगा अपने आप से, और छुपने लगी लोगों से, किसी से मैं बात नहीं कर सकती थी, कुछ भी मुझे बताना है तो मैं नहीं बता सकती थी, तो मेरा जीवन कैसा था। अब बड़े नहीं, लेकिन देखो लोगों को देखने का नजरिया उनका देख, तभी तो मुझे बाद में पता चला कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने अपने छवि में बनाया है, अपने जैसा बनाया। आज पता है मैं ये टॉपिक नहीं देने वाली थी, मेरा उदाहरण नहीं देने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे ही इस चीज से गुजर चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम बदसूरत हैं, उस बदसूरत बदक के जैसे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपनी छवि में बनाया है, अपने जैसे बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुमार को क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, तो परमेश्वर कौन है, कुमार है। एक कुमार जब एक मटका बनाता है ना, वो अपने हिसाब से बनाता है, उसे अपने हिसाब से कलर देता, रंग देता है, अपने हिसाब से उसको आकार देता है। तो हमारा कुमार कौन है, यीशु है। तो जब हम अपने आप को दोष देते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे अच्छा नहीं बनाया है। हम किसका अपमान करते हैं पता है, परमेश्वर का। हमको अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का, परमेश्वर ने हम सबको सुंदर बनाया है। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। हमको अपने आप को देखना है तो दुनिया की का चश्मा नहीं डालना है, हमको प्रभु की आंखों से अपने आप को देखना है। Praise the Lord, हम सब सुंदर हैं। Hallelujah, Hallelujah। दुनिया भले कुछ भी बोले, परंतु परमेश्वर ने हम सबको सुंदर बनाया है, हम सबको अपने आकार में बनाया है, हम सबको अपनी छवि में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस बंधन से मेरे बहुत सारे भाई बहने उनका छुटकारा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, और अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से आप इस बंधन से छुटकारा पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम फल क्यों नहीं लाते पता है, क्योंकि हम दूसरे जो कहते हैं हमसे, हम उसके ऊपर चलते हैं, हम लोगों के बंधन में हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्या हमको लोगों के बंधन में रहना है, हमको जो परमेश्वर ने हमारे संबंध कहा है उसके अनुसार हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे अपने हथेली पे बनाया है,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तू अपनी माँ के गर्भ में थी इससे पहले भी मैं तुझे जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने कहा है कि तू मेरे आंखों का तारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक माँ अपने बच्चे को छोड़े, दूध पीते हुए बच्चे को छोड़े, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मैंने मेरे इकलौते पुत्र को तेरे लिए भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए ताकि तुम अनंत जीवन जियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको लोगों के बंधन में नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब सुंदर हैं, हम सब परमेश्वर के समान हैं और हम सब उनके समान कार्य कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब में उन्होंने वही सामर्थ्य डाला है, सिर्फ मुझ में या सिर्फ ब्रदर जॉनसन या सिर्फ सिस्टर फ्लोरिया की उम्र में नहीं, परमेश्वर ने हम सब में, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप में भी वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और आप भी वही फल उत्पन्न कर सकते हैं जो उन्होंने कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़े। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम फल नहीं दे तो क्या हमारा जीवन अच्छा है? हमारा जीवन आशीर्वादित है? हमारा जीवन श्रापित है, क्योंकि हम फल नहीं दे रहे। क्योंकि ये जो फल है वो दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों को फायदा लाने के लिए होता है। अभी बीज, बीज किसके लिए रहता है? बीज मेरे लिए रहता है, क्योंकि मैं जब वो बीज लगाती हूँ तो क्या होता है, उससे क्या आता है? एक वृक्ष आता है। और जब वो वृक्ष आता है तो उसके पास फल, हाँ, फल देता है। और वो फल किसके लिए है? फल दूसरों के लिए। क्या आपने किसी ऐसे किसान को देखा है जो बीज है पूरा खा के बैठ जाता है? अगर पूरा बीज खा लिया तो क्या होगा? हाँ, वो फल उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वो कुछ बीज खाता है और कुछ क्या करता है? खेती में डालता है ना, बोता है या नहीं, ताकि वो फल उत्पन्न कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ देता भी है दूसरों को, बेचता भी है ना, और कुछ वो मिट्टी में छिड़कता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु ने किससे कहा? वृक्ष से या पेड़ से कहा कि तुम कभी फल, तो अब कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर? क्या किया, क्या किया? श्राप दिया। किसको दिया? उन्होंने ऐसे कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कभी, तो अब से कभी फल तुम पर नहीं आएंगे, ऐसे कहा। तो क्या वो श्राप हुआ? उन्होंने ऐसे कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आपको पता है आप कितने बार, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे, आप क्या बोलते हैं? मुझे डायबिटीज है, मैं आर्थराइटिक हूँ, मुझे मेरे घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कैंसर है। आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? किसी और को बोलने की जरूरत है? आप किसको श्राप दे रहे हैं?
आप अपने आप को नया नाम भी दे रहे हैं चर्च में, तो आपको अच्छा अच्छा नाम दिया होगा माता पिता ने, लेकिन आप जाकर अपने आप को और एक नाम दे रहे हैं, नया नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कोई बोलते मुझे डायबिटीज है, मेरे अंदर शुगर का फैक्ट्री है, नया बिजनेस। हाँ तो बीच डाल रहे हैं ना, फिर बाद में बोलते आ रहे हैं तो और ज्यादा बढ़ गया डायबिटीज। क्यों बढ़ा? क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, उसको खत भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं। हाँ क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा टॉपिक? बदल दो। हाँ करते थे वैसे। तो यीशु ने क्या उसको, यीशु ने क्या उसको शाप दिया उस पेड़ को? शब्द से बोला। आपको पता है जब हम कोई भी नकारात्मक बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम श्राप देते हैं। हमको ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ या देती हूँ, हम अपने आप को भी श्राप देते ही हैं जब हम बोलते हैं ना मुझे ऐसी बीमारी है, वैसे बीमारी है। ओके, आप जब बोल भी रहे हैं ना तो आपको कैसा बोलना है पता है? मुझे बीमारी है परंतु मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने जब क्रूस पर चढ़े तो मेरी बीमारियां अपने शरीर में ली और उनके घावों की वजह से मुझे चंगाई मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलेंगे तो क्या हमको झूठ बोलना है कि मुझे बीमारी नहीं है करके? आप बोल सकते हैं क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत है कि मुझे बीमारी है, हकीकत है, मुझे नजर आ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आंख दिया है, मुझे महसूस भी हो रहा है, परंतु मुझे उसके बाद, वो परंतु के बाद जो है ना, मुझे सच्चाई बोलना है। सच्चाई क्या है? कि यीशु ने अपने घावों से मुझे अच्छा किया है। मैं कंगाल हूं, मेरे जेब में पैसे नहीं है, परंतु वचन क्या कहता पता है, 2 कुरिन्थियों 8:9 कि यीशु के गरीब होने की वजह से मैं धनवान बन गई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको वास्तविकता या हकीकत बोलते हैं आप, परंतु उस वाक्य को आपको पूर्ण कब करना है, जब आप सत्य से उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम क्या बोलते हैं पता, पता है किसी ने अगर आकर बोला रहे नहीं आपको तो यीशु ने ठीक किया, हाँ पता है यीशु ने ठीक किया है, परंतु फिर भी मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा होता है? होता है? बोलते हैं या नहीं? नहीं बोलते हैं लगता है। बोलते हैं? अभी थोड़ा दर्द बाकी है। बोलते हैं ना, अभी थोड़ा थोड़ा दर्द बाकी है। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम वास्तविकता बात करते हैं, हकीकत बात करते हैं या सत्य बात करते हैं? लेकिन अब क्या करना है, हकीकत बात करने के बाद उसके बाद आपको अपने अपने जो वाक्य है उसको कैसा पूर्ण करना है, सत्य को बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। और सत्य क्या है? प्रभु का वचन है, वो हमारा फाइनल रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर का रिपोर्ट भले कुछ भी बोले, कैंसर है, डायबिटीज है, कुछ भी हो, आपको उस रिपोर्ट को कैंसिल करना है और बोलना है ये मेरा नया रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले मेरा यीशु मेरे लिए मरा है और उनके मरने की वजह से उन्होंने उनके घावों से मुझे चंगाई दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 बुरी लगी है बात? हालेलुया। तो आपका वाक्य परंतु के बाद जो है वह मुख्य होता है, वह इंपॉर्टेंट है। परंतु के बाद आप जो बोलते हैं वह जरूरी है, जरूरी बात है, क्योंकि कोई कोई लोग परंतु के बाद क्या करते हैं, गलत समाचार देते हैं। हमको अच्छा समाचार देना है, सुसमाचार देना है। क्या समाचार है? कि यीशु ने हमें चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे के बाद क्या वापस दोबारा समझाऊं? सब समझे?
देखो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपको नहीं समझेगा। समझ गए क्या बोलना है आपको? पहले जब आप हकीकत बात करते हैं उस हकीकत को उधर ही नहीं छोड़ना है, उस हकीकत को बोलने के बाद आपको बोलना है यस हाँ मैं इस परिस्थिति से जा रही हूँ, परंतु इस परिस्थिति को हल किसने दिया है? यीशु ने दिया है। और वो क्या हल है? उसका वचन बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हर एक वाक्य को, नकारात्मक वाक्य को या हकीकत के वाक्य को आपको प्रभु यीशु के या परमेश्वर के वचन से अंत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हाँ मैं चिंतित हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, परंतु यीशु ने जब उन्होंने कांटे लिए, कांटों का मुकुट लिया अपने सर पर, तो उन्होंने मुझे क्या किया? चंगाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु भी जब आप देखते हैं कि वो बगीचे में थे तो लहू, क्योंकि वो इतने टेंशन में थे, उनको लहू का पसीना आया। आया कि नहीं? कैसे, क्यों आया? क्योंकि क्या होने वाला था? उनको क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था। सही बात है? नहीं, क्योंकि दुनिया का पाप उनके ऊपर आने की वजह से, पाप रहेगा तो क्या परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं? पाप जहां है वहां परमेश्वर है? पाप जहां है वहां पर परमेश्वर है? वे नहीं रह सकते। क्या वो आपका साथ देंगे वहां पर? तो क्योंकि दुनिया का पाप प्रभु यीशु के अंदर जाने वाला था, इसके लिए उनकी और पिता की तो उनका संबंध में दरार आने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। तो यह जुदाई यीशु बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो सोच कर भी, वो सोच भी उन्हें इतना प्रेशर ला रहा था कि वे पसीना जो आ रहा था ना उनको, वो खून के पसीने थे। प्रेज द लॉर्ड। वो क्रूस पर चढ़ने से नहीं कतराए, वो जो जुदाई उनकी होने वाली थी उनके पिता के साथ, क्योंकि आप देखते हैं कि यीशु हर घड़ी जो भी कार्य करते थे अपने पिता को सुनते थे, उनको देखते थे और उसके अनुसार करते थे। वो बोलते भी है ना योहन्ना की किताब में, मैं जो मेरे पिता को सुनता हूँ वही शब्द मैं बोलता हूँ, जो कार्य मेरे पिता करते हैं वही कार्य मैं उनको देख कर मैं करता हूँ। आप देखेंगे कि जब वे रात भर प्रार्थना करते थे, दूसरे दिन आते थे नीचे आकर वे प्रचार करते थे और बड़े बड़े चमत्कार होते थे। कैसे होते थे? क्योंकि वे अपने पिता के साथ वक्त बिताते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमको भी जो वाक्य हम बोलते हैं, पहले बोलते हैं वह, बोलते हैं इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं? वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस परंतु के बाद आखिर में आप क्या बोलते हैं? वह महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझे आप? सब समझे? जब आप वाक्य शुरू करते हैं जो आगे आप बोलते हैं उस वाक्य में, वह जरूरी नहीं है, जो आप वो परंतु के बाद जो वाक्य बोलते हैं वह जरूरी है। मैंने उदाहरण भी आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझा? आपको समझा नहीं? सिस्टर एक सवाल, जैसे बच्चे लोग बुरी संगति में फंस गए हैं या स्कूल नहीं जाते हैं या पति शराब पी रहा है, तो उनके लिए कैसा बोले? मेरा पति भले शराब, दुनिया के नशा में मुझे ऐसे इस आंखों से दिखता है, परंतु पिता परमेश्वर आत्मिक आंखों से जब मैं उनको देख रही हूँ ना, आपकी आंखों से जब मैं उनको देख रही हूँ, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है पवित्र आत्मा में वो भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यीशु का लहू पिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक भाई यहाँ पर आए हुए हैं, कितने सालों से वे शराब पीते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनकी बीवी इतनी परेशान थी, वो छोड़ते थे दोबारा, वो अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ते थे वो शराब, लेकिन दोबारा वही आदत। आपने सोल को देखा है? yes. उसका क्या ये नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? उसको आप कितना भी दिलाओ तो क्या होता है? कीचड़ में ही चला जाता। तो ये भाई भी वैसे ही थे, शराब पीते थे फिर छोड़ देते थे, वापस दोबारा शुरू करते थे। तो अपनी इच्छा शक्ति से वे
कोशिश करते थे, लेकिन उनकी बीवी जब उन्होंने वो वचन दिया, ऐसा हुआ कि उनका जो किडनी है ना, लिवर में इतना प्रॉब्लम शुरू हुआ कि वो एक्चुअली जाने वाले थे ऊपर, लेकिन फिर उनको एडमिट किया, वो वचन करती रही, यही वचन जो हम बोल रहे हैं, वो वचन करती रही और आज वे यहाँ पर आए हैं, पूरी तरह से छुटकारा हुआ है। हालेलुया। जब आप देखते हैं आपके पति को पीते हुए तो बोलो, अरे पिता परमेश्वर, मेरे पति तो आपकी आत्मा से भरे हुए हैं, आपके बेटे का लहू पी रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आपका, क्योंकि आपके बेटे का लहू पी रहे हैं, वो ये जो शराब है उसको, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, प्रेज द लॉर्ड। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यीशु जैसे आपने उस पानी को दाखरस बनाया, उसी प्रकार इस शराब को आपने अपने रक्त में रक्त बनाया है, और जैसे जैसे मेरे पति पी रहे हैं वो वे आपका रक्त पी रहे हैं, और जो शराब और गलत चीज उनके अंदर है वो उनके शरीर से निकल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बच्चे भी अगर आपको ऐसा लगता है गलत इसमें है तो आप वैसे ही बोल सकते हैं, मेरा बच्चा, तो क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा बने? अच्छा बने। मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा प्रीचर है, मेरा बच्चा, मैं ये नहीं देख रही हूँ पिता ये आपका बेटा है, परंतु मैं इसे कैसे देख रही हूँ, जो मुझे चाहिए, जो दिख रहा है वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो बनना है उसने, मैं वही बोलती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाही है, एक भाई था, उसका बेटा बहुत होशियार था पहले पढ़ाई में, बाद में जैसे जैसे पढ़ रहा था वो गलत संगत में पढ़ा, लेकिन पिता को ना बोलने की आदत थी उसको, अरे प्रेसिडेंट कैसे, हाय प्रेसिडेंट, ऐसे हर बार उसको बोलता था पिता। तो जैसे कॉलेज में बच्चा गया ना, तो गलत संगत में पढ़ा वो, और वो ड्रग्स लेने लगा, और इतना हद तक हो गया कि उसे वो रिहैब होते ना उसमें डालना पड़ा बच्चे को, बहुत ही खराब हो गई उसकी अवस्था। तो फिर भी पिता उसको प्रेसिडेंट ही बोलने लगा, पिता ने छोड़ा नहीं उसको बोलना, वैसे पिता कभी बोला नहीं कि अरे वो ड्रग्स ले रहा है, तू ऐसा है वैसा, गलत संगत में, लेकिन पिता जो चाहता था ना वही बोल रहा था, तू प्रेसिडेंट है। पता है वो बच्चा वो रिहैब से पूरी तरह से चंगा होकर आया, और वो हमारे कैथलिक, ये बॉम्बे कैथलिक सभा होती है उसमें, वो बम्बई में संस्था है उसमें वो प्रेसिडेंट बना हुआ बच्चा। तो आपके जो शब्द है ना उसमें इतना सामर्थ्य है, आप जब बोलते हैं ना तो आपको नजर नहीं आता है वो जो आप बोलते हैं, जिस प्रकार मैं बीज मिट्टी में डालती हूँ वो मिट्टी के नीचे है वो बीज, मुझे नजर आ रहा है क्या? कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऊपर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है कि क्या मैंने किया है, मैंने क्यों बीज डाला है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, काफी दिन तक कुछ नहीं नजर आता है, लेकिन फिर कब कुछ वो किसान क्या छोड़ देता है, हार मानता है, वो क्या करता है, पानी डालता रहता है, पानी डालता रहता है, खत डालता रहता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो हम भी तो आत्मिक किसान है, हमको कैसे पानी डालना है? जब आपने एक बार प्रार्थना किया, आपने कहा पिता ये मेरा बेटा ऐसा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं पिता लेकिन आपका वचन कहता है कि ये ऐसा है, कि आपने मुझे आपके पुत्र के द्वारा उसे सुधारा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उसको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, मेरा बेटा पूरी संगत से उसके छुटकारा मिला है, अभी मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अभी मेरा बेटा प्रीचर बन गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे, पानी डाल रहे हैं उस बीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है आप पहले क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपको विश्वास हुआ प्रभु के वचन पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जो आज आप सुन रहे हैं ना, ये बीज कार्य कर रहा है आपके परिवार वालों के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जैसे जैसे आप
पानी डालते रहेंगे, आप पानी डालते रहेंगे, आप खत डालते रहेंगे, आपको देखो वो ऐसे लगेगा कि वो और भी बुरा हो गया है, लेकिन हार मत मानना। क्या किसान जब उसे नजर नहीं आता तो क्यों हार मानता है? बारिश भी आती है, तूफान भी आता है, आंधी भी आती है, क्या वो छोड़ देता है? वो सुरक्षा करता है अपने फसल का, अपने क्या होता है क्रॉप्स को, क्या होता है फसल, अपने फसल का क्या वो छोड़ देता है रहने को, बर्बाद हो जाने को? वो फिर भी सुरक्षा करता है। पक्षियां आती है, चिड़िया आती है खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसकी सुरक्षा करता है। तो आप भी आत्मिक किसान हैं, अपने बीज को व्यर्थ होने मत देना। जो आपने जमीन में डाला है, अपने आत्मिक अपने हृदय में डाला है, आप उसको पानी देते रहना, आप उसको खाद देते रहना, आप उसकी सुरक्षा करते रहना, छोड़ना मत। प्रेज द लॉर्ड, और आपको जरूर फसल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप हार नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको गलत गलत चित्र दिखाएगा, गलत गलत कल्पनाएं लाएगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? वचन पर। वचन से यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए आपका ध्यान। आपने देखा है घोड़ा, रेस का घोड़ा जब उसे दौड़ाते हैं तो यहाँ क्या डालते हैं? आंखों पर लगाम, लगाम पे वो ऐसे काला काला कुछ डालते हैं ना, क्यों डालते हैं वो? ताकि उसकी नजर इधर उधर। तो क्या आप लंबी रेस के घोड़े हैं? हैं? जब आप वचन कर रहे हैं ना तो अपने आप को याद दिलाओ, मैं लंबी रेस का घोड़ा, मुझे हासिल करना, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना ही है, और मेरे बच्चों को बचाना है, मेरे परिवार वालों को लाना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो काला ये लगाया नहीं, वो पर्दे जैसा उसको लगाया नहीं, तो क्या होगा? घोड़ा क्या करेगा? इधर उधर देखेगा, वो इधर उधर ही नहीं देखेगा, वो अगर उसने घोड़ी को देखा ना तो उसके पीछे भी भागेगा वो। हाँ, सही बात है कि नहीं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको भी वैसे ही उस घोड़े के समान बनना है, जो भागता है, दौड़ता है आगे देखकर, यहाँ वहां नहीं। यहाँ से कोई भी टोकेगा, वहां से कोई भी निंदा करेगा, अपमानित करेगा, अरे क्या कर रही है, वचन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अरे तेरा बेटा तो और भी खराब हो रहा है, कुछ भी कोई बोलेगा। क्या करना है? यहाँ पर पट्टी लगा और वचन पर ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो बात आप करते हैं, जो वचन आप बोलते हैं, उसमें क्या है? सामर्थ्य है, वो एक बीज है, और वह अपना कार्य शुरू करना जारी रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बीच कभी भी अपना काम बंद नहीं करता है, वह अपना काम जारी रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, और उस बीच में से जो भी आता है भागों को, वो बीच को अंकुरित करना किसका काम है? परमेश्वर का। अपना काम क्या है? खाद डालना, पानी डालना, उसकी सुरक्षा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? उसके चेले। फिर चलो आगे है। फिर हाँ, उसके बीसवा वचन से, बीसवा वचन। अभी यीशु ने क्या किया? उन्होंने वचन बोला और निकल गए। अब किसान क्या करता है? बीज डालता है और क्या करता है? सोचते बैठता है, पता नहीं इस बार फसल आएगी कि नहीं, या मेरे सब बीज व्यर्थ जाएंगे। आपने कभी कोई किसान को देखा है ऐसे चिंता करते? पता नहीं मैंने गेहूं का तो बीज डाला है, शायद उसमें से चावल निकलेगा। हाँ, नहीं सोचता है। सोचे कोई किसान ऐसे सोचता है? हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं? खोद खोद के देखते हैं। हम बोलते हैं एक, और हमको चाहिए नतीजे दूसरे। हम गलत बात करते हैं
अरे मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, फिर हम नतीजे क्या चाहते हैं? अच्छे। फिर हम बोलते ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे ही परिवार के साथ क्यों हुआ, बीच क्या था और फल क्या आएगा? जैसा बीज डाला वैसा ही फल आएगा। सही बात है। हालेलुया हालेलुया। समझा अभी? सब समझ गए कि हमारे जीवन में नतीजे क्यों नहीं आ रहे, क्यों गलत नतीजे आ रहे हैं? हालेलुया। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अब जब प्रभु यीशु ने बोला कि अब से कोई भी तुम्हारा फल नहीं खाएगा, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ उस पेड़ को? ये तो दूसरे दिन, लेकिन जब उन्होंने कहा तब कुछ हुआ? कुछ दिखाई दिया? आंखों से नजर आया? नजर आया? नहीं नजर आया। लेकिन वो कार्य कहाँ कर रहा था? वो वचन काम कर रहा था ना, वो वचन ने अपना काम शुरू किया ना। कहाँ से शुरू किया? जड़ से शुरू किया। तो जब हम कोई वचन लेते हैं, अभी बीमारी का हो, हम वचन लेते हैं प्रभु यीशु के घावों से मुझे चंगाई मिली है, तो हम क्या करते हैं? बार बार देखते बोलते हैं, देखते हैं बोलते हैं, देखते हैं। पीड़ा अभी भी है, होता है, लेकिन वो वचन कहाँ कार्य करता है? जब यीशु ने बोला तो क्या वो देख के गए उस पेड़ को? कैसे बोला और निकल गए? पलट के देखा? बोला है उस बाइबल में कि वो पलट के देखे? देखा नहीं ना, उन्होंने सिर्फ बोला और चले गए। हम जब वचन करते हैं तो वो जो वचन वो क्या है? बीज है। तो वो कहाँ वार करता है? जड़ पे वार करता है। जो भी बीमारी है, जो भी आपकी समस्या है, उस पर वार करता है, उसके जड़ पर वार करता है। जड़ कहाँ पर होता है? जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर। हमको जड़ नजर आती है? नहीं। पेड़ की जड़ नहीं, नहीं नजर आती है। तो हमारे भी शरीर में जो बीमारी है उसकी जड़ हमें नजर आती है? नहीं, नहीं आती है। तो जब हम वो वचन बोलते हैं तो वचन किस पर हमला करता है? उस जड़ पर। तो हम क्यों जब एक या दो बार बोले तो क्यों थक जाते हैं? हम वचन एक या दो बार बोलते क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम देखना शुरू करते हैं, अरे कुछ असर हो रहा है। हाँ, तो हम क्या बेसब्र किसान हैं? हाँ, क्या हम बेसब्र किसान हैं? पहले थे, अब सब्र करने वाले। अभी मुझे देखना है कितना सब्र करते हैं आप लोग। अभी बहन बोल रहे हैं अब हम सब्र किसान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको सबर करनी है या नहीं? सबर करने को सीखना है या नहीं? उस किसान को जो बीज डालता है पानी में, मिट्टी में, वो बीज डालने के बाद वचन क्या कहता है? वो जाकर सो जाता है। सोता है, इसका ये मतलब नहीं जाके पला, उसने जाके खटिया पे जाके सो गया। नहीं, वो कहाँ सोता है? उसके मन में। उसके मन में वो चिंता आने नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें उसके मन में वह आराम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह किसान, हमको बहुत कुछ किसान से सीखना है कि हमारे मन को कैसे हमने आराम देना है। शारीरिक आराम नहीं, अपने मन को आराम देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो जब हम वचन बोलते हैं तो हमको अपने मन को आराम रखना है, विचलित नहीं होना है कि अरे ये कार्य कर रहा है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कितने सबर किसान है?
कितने हैं? मैं भी थी, अभी भी कभी कभार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मुझे बार बार अपने मन को नया बनाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है? हमारा जो शत्रु है ना, हमारी कमजोरी देखता है और वहीं पर आकर वार करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी किसी बॉक्सर को देखा है? बॉक्सर को देखा है? वो अकेला ही लड़ता है ना रिंग में, हवा में मारता रहता है पंच। क्या उसके खिलाफ और कोई है? उसका विरोधी है या नहीं? तो क्या वो विरोधी के साथ लड़ता है बॉक्सिंग मैच में? तो हमारा विरोधी कौन है? और वो बॉक्सर क्या करता है? जो उसके खिलाफ जो लड़ता है ना, उसकी कमजोरी देखता है। कहाँ वो कमजोर है? और वो बोलते रहने तो भाई, ये कमजोर है, मैं नहीं मारूंगा इसे, उसे छोड़ देता हूँ। हाँ, क्या करता है? उसकी कमजोरी पर बार बार वार करता है। क्यों? ताकि वह हार जाए। तो हमारा शत्रु कौन है? तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा रहने दो, ये बहन को तो बहुत 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 मुसीबत है, बहुत कमजोरी है, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं दूसरी जगह पे उसको हमला करता हूँ। हाँ, या वो उसी कमजोरी पर बार 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 वार करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, एक शराबी है, उसने शराब छोड़ने का ठान लिया, तो क्या होगा? शैतान क्या करेगा? कैसे हमला करेगा? उसके दोस्तों को भेजेगा, अरे चलना यार, चल एक मारते, क्या तू एक पैक मार लेते ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, पैसा है तो मैं पिलाता हूँ ना, होता है। तो उसकी कमजोरी पे वार करता है या नहीं बार बार? तो उसी प्रकार हमारा भी जो शत्रु है, वो हमारी कमजोरियों पर बार 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 वार करता रहता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? कल भाई ने बताया ना, हमको सब शस्त्र जो है तैयार रखने हैं। कौन से शस्त्र हैं अपने? वचन और अन्य भाषा, ये दोनों को लेकर बार 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 हमको बोलते रहना है, मनन चिंतन करना है और अपने आप को, अपने मन को नया सा बनाता रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम आकर वापस ये विषय करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हमें दिए, और इन उदाहरणों के जरिए से आपने हमें समझ दी कि हम कहाँ गलत जा रहे थे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज जैसे हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है और हमें बदलने का आपने मौका दिया है, मेरे भाई और मेरे बहन, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी अच्छी तरह से, इतनी सरलता से हमें समझाया है, हमें सीख दी है। पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इसे प्रैक्टिस करेंगे और नतीजे लेकर आएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमें आधे घंटे में मिलेंगे। जी हाँ। विषय अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है।